कोच काफी डिकोर में काफी डोमिनेटिंग में, कैसे देखते हैं, क्या प्लान्स थे और सब कुछ परफेक्ट किया? लास्ट मैच को अभी बहुत इम्प्रूव हो गया था डिफेंस में, राइड के लिए आज हम कंटिन्यू चल रहे। ये मैच में डिफेंस अच्छा सेट हो गया इसलिए ज़्यादा डिफेंस करके। अर्जुन 30 पॉइंट से जीते, आपके 19 पॉइंट, अभिजीत का काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन, कैसे देखते हैं पूरा ओवरऑल डिस्प्ले टीम? देखिए जिस हिसाब से हम कवाली कर रहे हैं अभी तक और टूरिस्ट स्टेज बना रहे हैं और साफ बता रहे हैं तो लगभग सभी प्लेयर अपने काम पे वर्क कर रहे हैं, मतलब पूरा टीम गेम चल रहा है। तो अगर देखा जाए मुझे छोड़ के जो पीछे रेडर है, अभिजीत है, विकास है और आज हमने सोमवीर को चेंज किया, तो सब अपना पूरा 100% दे रहे हैं। तो मैं तो अपनी टीम से पूरा खुश हूँ कि जैसे बताया जा रहा है ऐसी वर्क कर रहा है। तो लीग की स्टार्टिंग है अभी तो कुछ ऐसा खास बताया नहीं जा सकता क्योंकि लीग में 12 की 12 टीम में इस बार लगभग इक्वल बनी है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई 100 है 50 है, तो काफ़ी लंबी लीग है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो सब क्या टर्निंग पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट तक बराबर था मैच फर्स्ट हाफ तक, उसके बाद आप क्या टर्निंग पॉइंट देखते हैं कि एकदम से वन सेकंड हो गया? बराबर टाइम में अभिजीत एक रेड स्कोर करके आ गए, उसके बाद टीम का जोश भी जा रहा गया, ऐसे कंटिन्यू जीरो हो गया। उनका जो दो सेल्फ आउट था कोच साहब काफ़ी चेंज हुआ ना, आपके तीन प्लेयर थे मैच की स्टार्टिंग जब 6-6 था स्कोर, तो वहाँ से गेम थोड़ा चेंज हो गया, क्या उनके मिस्टेक्स भी आपके साथ कैपिटलाइज किया आज? सपोर्ट अपोजिट टीम भी बहुत मिस्टेक किया, हम एक ही सपोर्ट है नहीं, उनकी तरफ से कह रहा हूँ उनकी मिस्टेक की वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट हुआ आज? हाँ बहुत बेनिफिट हो गया, इसलिए दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट भी आया। और अर्जुन ऑफकोर्स पवन के खिलाफ खेलना ऑलवेज इज एन इंटरेस्टिंग बैटल, दोनों इंडिया के बेस्ट रेडर्स हो, सौरभ की चालक से प्रिपरेशन करके आए थे पवन के लिए स्पेसिफिकली या सौरभ ओवरऑल टीम प्लेयर प्रेप किया था आपने? नहीं कोई स्पेशल नहीं है कि पवन के लिए हम स्पेशल तैयार हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही जैसे आज है ऐसे आएंगे, आगे भी दो मैच होंगे और देखा जाए तो टीम काफ़ी अच्छी थी अभी तेलुगु टाइटल और सूर्ति 10 मिनट में क्लोज मैच चला है। मेरा मानना तो यही है कि मेरे पे ज़्यादा ध्यान है शायद अगली टीमों का, लेकिन उसमें जो साथ में रेडर है वो मौका अपना पूरा 100% कर रहे हैं काम को, तो हमारे लिए ये काफ़ी बड़ी बात है। और जो आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, अगले मैच के बारे में हरियाणा के साथ है, दोनों कप्तान और कोच दोनों के बारे में आपकी क्या राय है और कितनी बड़ी चुनौती होगी? सॉरी कप्तान नहीं, शादलू है उसमें और जो कोच है वो भी एक अनुभवी कोच है मनप्रीत के बारे में, तो दोनों के बारे में आपका आपकी क्या राय है और कितनी बड़ी चुनौती होगी अगला दोनों का? देखिए मैंने अभी बताया राय तो यही रहेगी, लीग में लास्ट तक राय मतलब यही रहेगा कि जो भी आ रहा है अपना 100% देना है। और राय का क्या बताया सर, पिछली बार हरियाणा से हम आ रहे हैं सेमीफाइनल, तो लगभग ये भी चैलेंज हो सकता है मेरे लिए। और साथ का अभी तक देखा जाए तो मेरे साथ काफ़ी अच्छी फाइट रही है और परसों मैच में पता चलेगा क्या होता है। कोच मनप्रीत, मनप्रीत कोच साहब के बारे में क्या बताएं, आपको तो पता ही है काफ़ी अच्छे कोच हैं। ठीक है कुछ नहीं कहूँगा, थैंक यू, थैंक यू। कोच साहब टफ लॉस कैसे देखते हैं? टीम अच्छा नहीं खेली, अच्छा नहीं खेली टीम, देखो डिफेंस खेल रहे क्या करें, अच्छा मैच चल रहा था सारा खराब कर दिया, एक दो आदमी नहीं खेल सकते जब डिफेंस इतना यूज कर रहा। पवन एज अ कप्तान आप कैसे देखते हैं और इसके बाद 3 दिन का रेस्ट भी है तो आप पूरी टीम कैसे मोटिवेट करेंगे? यही है कि यार थोड़ा सा थोड़ा सेम गलतियाँ जो लास्ट मैच में थी, एक थोड़ा लाइन के भी प्रॉब्लम है कि लाइन आउट हो रही है और टीम भी बोनस कर रहा है, रेड टू कवर प्लस कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पा रहा, जो पहले मैच में हो थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा, तो अभी है टाइम हमारे पास तो दिल्ली के साथ मैच है तो करेंगे कंप्लीट करेंगे। पवन ऐसे लॉस मेंटली आपको रिकवर करना कितना मुश्किल होता है, सौरभ यंग टीम है आपकी को मोटिवेट करना कैसे सौरभ मोटिवेट करते हो? देखिए बात नहीं हुआ है वन साइड मैच, स्टार्टिंग में देखा गया तो काफ़ी अच्छा मैच खेली टीम, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा भुला दें 15 मिनट को थोड़ा सा भुला दें 11-15 मिनट को
पिछला मैच भी तो मिली है साहब 28 मिनट 29 मिनट तक अच्छे खेले और ये भी तकरीबन 25 मिनट तक अच्छा खेले। उसके बाद एक जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हैं वो पूरा मैच खा जाती हैं, जैसे वो स्टार्टिंग में 3 रह गए थे वहाँ पे अंकित को सिलेफ लग गई सेल्फ नहीं वो टच लग गया अर्जुन को और फिर उसके बाद फिर से वो 3 रहे फिर अंकित के साइड से बोनस पर 3 गए उसमें मैच खुद भी आउट हो गया कवर पे। तो ये जो 3-3 रहे हैं पेनल्टी के चांस ऐसे ही आते हैं यहीं से टीम चेंज करती है। चेंज हो रहा था वहीं हम चेंज करते। अगर मान लो वो टैकल हो जाता अभिजय अभिजीत है या अर्जुन है तो सामने वाले 2 रह जाते। हम ये सेम क्वेश्चन जो आप हमसे पूछ रहे हो आज जयपुर से पूछ तो बस छोट माइनर मिस्टेक है आज तो एक बार गलती होने बात तो होती है बैक करेंगे आएंगे जरूर। और सर अगला मैच आप जोगिंदर आप एक तरह से चेला रहे हैं शिष्य रहे हैं उस मैच को कैसे देखते हैं और जोगिंदर की देखिए सारी टीम बराबर की है जैसे आज देख लिया अगर खेलेंगे तो नहीं हो जाएगा मजबूती से खेलेंगे तो जरूर जीतेंगे। नहीं नहीं बट जोगिंदर जी की टीम के साथ आपकी पुरानी टीम है तो थोड़ा सा कुछ इमोशनल रस्ट है कोई बड़ी बात नहीं होती तो मैच है मैच तो अपना खेल लगा मैं अपना खेल लूंगा ये तो बहुत जरूरी है। फिर भी जोगिंदर को कैसा कोच मानते हैं आपने सिखाया है ये कुछ मैं मेरे मानने से ना मानने से कोई इसमें होता इस प्रकार की बातें मैं उसको कह दूँ लोगों को सबसे अच्छा है मैं कह दूँ तो अच्छा नहीं है कोई ये बात नहीं होती वो अपना काम अच्छे बेस्ट निभा रहा है वो अच्छी बात है खुश हूँ मैं। थैंक यू।